हे गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। वेलकम है आपका इंडियन पीसी वॉर्स के एपिसोड नंबर 136 में। इंडियन पीसी वॉर एक ऐसी सीरीज है जहां पर आप लोग अपना सेटअप सबमिट करते हैं और हम उसे अपने चैनल पे फीचर करते हैं। अगर आप भी यहां पर पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड है तो यार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जहां पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट द इंडियन पीसी वॉर्स बिगिन। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा अन अकेडमी का, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर करा। आप में से कई सारे लोग घर बैठे ही आजकल पढ़ाई कर रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सम्स लगाते हैं तो वो सम्स सॉल्व नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अन अकेडमी एक फीचर लाया है जिसको बोला जाता है आस्क आर डाउट। यहाँ पर आपको केवल करना ये होता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसकी फोटो खींचिए, अन अकेडमी पे अपलोड करिए और वहाँ के प्रोफेशनल एजुकेटर्स आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे 24/7, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेस्ट चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो आपको 7 डे का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप जाकर ना इंडिया के टॉप एजुकेटर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, उनके लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने नॉलेज को इंक्रीज भी कर सकते हो। तो आप में से जो लोग आस्क आर डाउट फीचर यूज करने में इंटरेस्टेड है, आप लोग मेरा अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं जो कि है गेम। उसको यूज करने के बाद ना आप इस फीचर को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो अगर आप हमारा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक और मेरा अनलॉक कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है अमान अहमद, जो कि 17 साल के क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई बंदे ने क्या सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज़ यहाँ पर आप इनके सेटअप को देखकर ही नोटिस कर सकते हो, वो है इनकी कलर थीम। यहाँ पर बंदे ने बहुत ही लाइट और मिनिमल कलर थीम यहाँ पर प्रेफर किया है। पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर ये वाइट है और थोड़ा बहुत आरजीबी टचअप देने के लिए पिंक और ब्लू कलर की लाइट इन्होंने यूज किया है, जो कि इनके सेटअप के अक्रॉस काफी अच्छे से ब्लेंड होती है। बात करें इनके सेटअप के बारे में तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेटअप में टेबल यूज कर रहे हैं वो काफी अच्छी है। इनको जितना भी स्पेस प्रोवाइड करती वो बिल्कुल सफिशियंट है, ऐसा नहीं लगता कि टेबल इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी बड़ी है। बाकी सेटअप को डेकोरेट करने के लिए इन्होंने जो काम किया वो काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के शेल्फ पे ना इन्होंने फेक प्लांट लगा रखा है और कैबिनेट के ऊपर आप देख सकते हो ग्रास पॉड और एक्शन फिगर्स भी देखने को मिलता है। बात करें अगर क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट की, तो बंदे ने क्लीननेस ना वो ठीक ठाक मेंटेन कर रखी है और केबल मैनेजमेंट पर इन्होंने ज्यादा कुछ फोकस नहीं किया है। थोड़े बहुत वायर्स दिखते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो उसे और भी क्लीन कर सकते हैं। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे हैं MSI का 27 इंच का 1440p का गेमिंग मॉनिटर, माउस यहाँ पर लॉजिटेक का है, कीबोर्ड भी यहाँ पर लॉजिटेक का है, हेडसेट भी यहाँ पर लॉजिटेक का ये यूज कर रहे हैं। वही बात करें अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज़ कर रहे हैं AMD का Ryzen 5 5600X, 16GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RTX 3070 ये यूज़ कर रहे हैं। तो एट देन अगर बात करें CPU परफॉर्मेंस की, यहाँ पर इनको CPU परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की ना, तो यहाँ पर RTX 3070 इनको बेहतरीन लेवल का 1440p गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। एट देन अगर बात करें मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको कोई भी सजेशन देने नहीं चाहता। लुक वाइज और स्पेक्स वाइज इनका पीसी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर इनको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू अमान पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकंड कंटेस्टेंट के बारे में बात करेंगे, नाम है पर्थ सेठी, जो कि 17 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने यहाँ पर काफी अच्छा सेटअप बिल्ड कर रखा है। पहली चीज़ यहाँ पर आप इनके सेटअप में जो नोटिस करते हो ना, वो है इनकी कलर थीम। बंदा यहाँ पर जो कलर थीम यूज कर रहा है ना, वो थोड़ी सी रेनबो टाइप की है, मतलब कलर थीम को लेकर ये कंसिस्टेंट नहीं रहे। माउस पैड का अलग कलर है, कीबोर्ड इनको अलग कलर प्रोवाइड करता है और कैबिनेट के अंदर उन्होंने अलग कलर थीम सेट कर रखी है। इवन जो इनका वॉलपेपर है ना, वो भी कोई स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड नहीं करता। बात करें इनके सेटअप के बारे में तो आप देख सकते हो टेबल जो यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल बजट सेगमेंट वाली टेबल है। ज़्यादा कुछ यहाँ पर इनको रूम प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन स्टिल इनके सेटअप को जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना स्पेस की, वो इनको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। वही बात करें अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की, तो भाई कैबिनेट के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखी है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं डेल का 24 इंच का फुल HD मॉनिटर, माउस यहाँ पर डेल का है, कीबोर्ड यहाँ पर एंटी स्पोर्ट का है, हेडसेट यहाँ पर जबरा का ये यूज़ कर रहे हैं। वही बात करें अगर इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो यूज़ कर रहे हैं AMD का Ryzen 7 3700X, 32GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RTX 3060 Ti यूज़ कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें CPU परफॉर्मेंस की, भाई इनको CPU परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड मिल जाता है। और वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यार RTX 3060 Ti ना इनको बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। एट दिन अगर बात करें मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, भाई आपने इतना पैसा खर्चा किया अपने पीसी स्पेक्स में, थोड़े बहुत अपने पेरिफेरल्स पर भी खर्चा करना चाहिए था। जैसे कि जो आपका मॉनिटर है वो बहुत ही बेसिक है और आपका जो कैबिनेट है ना, वो बजट सेगमेंट में तो अच्छा, लेकिन इतने अच्छे पीसी के लिए ना आपको थोड़ा और स्पेंड करना चाहिए, जो कि आपको और भी फीचर प्रोवाइड करें। बाकी स्पेक्स वाइज यहाँ पर आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है।
थैंक यू पार्थ पार्टिसिपेट करने के लिए। थर्ड कंटेस्टेंट के बारे में बात करें इनका नाम हितेश होचा नानी जो कि 30 साल के एक आईटी एम्प्लॉय हैं। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो भाई बंदे ने काफी अच्छा सेटअप बिल्ड कर रखा है। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आप इनके सेटअप को देखते हो ना तो पहली चीज जो नोटिस करते हो वो है इनकी कलर थीम। बंदा यहाँ पर अपनी कलर थीम को लेके बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप केवल मॉनिटर माउस कीबोर्ड और माउस पैड को देखते हो ना तो यहाँ पर आपको पिंक और रेडिश कलर की कलर थीम बनते हुए दिखती है, लेकिन जब आप इनका कैबिनेट देखते हो तो भाई वो तो बिल्कुल अलग ही लीक का देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पर आप नोटिस करते हो वो है इनकी टेबल। यहाँ पर बंदा जो ये टेबल यूज कर रहा है ना वो रेडीमेड टेबल है। टेम्परेरी यूज करना है इस टेबल को तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना ये इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती है, स्पेशली अगर आप कैबिनेट सारी चीजें टेबल टॉप पर रखते हो तो थोड़ा बहुत रिस्की भी ये हो जाता है। बात करें अगर टेबल टॉप के बारे में तो आप देख सकते हो टेबल टॉप जो इनको स्पेस प्रोवाइड करता है ना वो ठीक ठाक है, इनके सेटअप के हिसाब से सफिशिएंट है। कीबोर्ड को अगर थोड़ा सा लेफ्ट में रखेंगे ना तो माउस भी आराम से चला सकते हैं। हालांकि केबल मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, सारा का सारा वायर आपको टेबल टॉप पर देखने को मिल जाता है, इवन बैकग्राउंड में भी आपको काफी सारे वायर देखने को मिलते हैं, तो केबल मैनेजमेंट पर इनको थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वही बात करके हालत नहीं है कैबिनेट के अंदर की, तो भाई कैबिनेट के अंदर क्या ही कहने, बहुत ही अच्छा काम किया बंदे ने। आप देख सकते हो केबल मॉड का भी यूज किया जो कि इनके लुक में चार चांद लगा देता है। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहा है सैमसंग का 27 इंच का गेमिंग मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड यहाँ पर एसूस का कॉम्बो है, स्पीकर यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं एमडी का राइजन 95900X, 32GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे एमडी का RX 6800 XT ये यूज कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की, भाई सीपीयू परफॉर्मेंस के क्या ही कहने, राइजन 9 है तो बहुत ही अच्छा सीपीयू परफॉर्मेंस इनको दे देता है। और वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की तो यार 6800 XT ना इनको बहुत अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। एट दिन अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं केवल इनको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर अपने टेबल को अपग्रेड कर सकते हो और थोड़ा बहुत क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट पर ध्यान दे सकते हो ना तो आपको जरूर देना चाहिए। मैं मानता हूँ स्पेक्स वाइज आपको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू हितेश पार्टिसिपेट करने के लिए। और कंटेस्टेंट के बारे में बात करें जिनका नाम है रेहान जो कि 16 साल के एक स्टूडेंट है जो कि सऊदी अरेबिया में रहते हैं। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो बंदे ने बहुत ही नीट और क्लीन सेटअप बिल्ड कर रखा है। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आप इनका सेटअप देखते हो और पहली चीज नोटिस करते हो ना वो है सिमेट्री। बंदे ने अपने सेटअप के अक्रॉस थोड़ी बहुत सिमेट्री भी मेंटेन करने की कोशिश करी है। आप देख सकते हो राइट साइड पे अगर कैबिनेट रखा हुआ है तो लेफ्ट साइड पे आपको इनका मैकबुक भी देखने को मिलता है। बात करें अगर टेबल के बारे में तो आप देख सकते हो बंदा रेडीमेड टेबल यूज कर रहा है, लेकिन स्टिल काफी बड़ी टेबल है और इनको काफी सफिशिएंट स्पेस भी प्रोवाइड कर देती है। पूरा का पूरा सेटअप टेबल टॉप पर होने के बावजूद भी ना काफी इन्होंने क्लीननेस मेंटेन कर रखी है। आपको लिटरली बहुत ही कम वायर्स देखने को मिलते हैं जो कि काफी अच्छी चीज है। केबल मैनेजमेंट से रिलेटेड बंदे ने जो काम किया ना वो काफी अच्छा लग रहा है। वही बात करें अगर हालत इनके कैबिनेट के अंदर की तो भाई कैबिनेट के अंदर के क्या ही कहने, बंदे ने काफी अच्छा काम किया है। क्लीननेस और केबल मैनेजमेंट आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। हालांकि नीचे साइड पे थोड़ी बहुत डस्ट है जो कि मैं मानता हूं थोड़ा बहुत अगर ट्राई करेंगे तो उसे भी साफ कर सकते हैं। नौ बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में। यहाँ पर यूज कर रहे हैं एलजी का अल्ट्रा फाइन 4K 75Hz का मॉनिटर, माउस यहाँ पर लॉजिटेक G502 हीरो है, कीबोर्ड यहाँ पर रेड ड्रैगन का है, स्पीकर यहाँ पर हुआवे के ये यूज कर रहे हैं। वही बात करें इनके पीसी स्पेक्स के बारे में तो यूज कर रहे हैं एमडी का राइजन 5 5600X, 32GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे 1660 सुपर ये यूज कर रहे हैं। तो एट देन अगर बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की, यहाँ पर इनको सीपीयू परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाता है। वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, 1660 सुपर 4K लेवल की तो गेमिंग नहीं करवा पाता है, लेकिन हाँ मॉडर्न गेम्स इनको 1080p लेवल का आराम से खिलवा देता होगा। एट देन अगर बात करें मेरे सजेशन की तो यहाँ पर मैं इनको कोई भी सजेशन देना नहीं चाहता। लुक वाइज और स्पेक्स वाइज इनका पीसी काफी अच्छा है। इन केस अगर आप 4K ट्रू गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना तो एटलीस्ट यहाँ पर आपको RTX 3070 पे अपग्रेड कर लेना चाहिए, तब यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा होगा। थैंक यू रेहान पार्टिसिपेट करने के लिए। फिफ्थ और लास्ट कंटेस्टेंट के बारे में बात करें इनका नाम है सामर्थ कोचर जो कि 14 साल के स्टूडेंट है। इनके सेटअप के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो बंदे ने काफी नीट और क्लीन सेटअप बिल्ड कर रखा है। फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आप इनके सेटअप को देखते हो ना तो आप देख कर ही समझ सकते हो कि बंदे ने RGB से रिलेटेड जो काम किया वो काफी अच्छा लग रहा है। कलर्स जो यहाँ पर उन्होंने चूज किया वो इनके सेटअप के लिहाज से काफी अच्छे से ब्लेंड होते हैं और फाइनल रिजल्ट भाई आपके सामने ही है। आप समझ सकते हो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो बंदा यहाँ पर मल्टी मॉनिटर सेटअप यूज कर रहा है। अब इनका यूज क्या है, इन्होंने नीचे लिखा हुआ कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, तो भाई मल्टी मॉनिटर उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इस सेटअप पे ना थोड़ी बहुत ये कैजुअली गेमिंग भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और टू बी ऑनेस्ट इन्होंने काफी अच्छा पीसी बिल्ड कर रखा है। बात करें अगर इनके टेबल के बारे में तो आप देख सकते हो बंदा सेटअप में जो ये टेबल यूज कर रहा है वो इन्होंने कस्टम बनवाई है। इतनी बड़ी टेबल मेरी नॉलेज में तो खैर नहीं मिलती है कहीं पर भी।
वही बात कर अगर हाल दिन कैबिनेट के अंदर की, तो भाई कैबिनेट के अंदर के क्या ही कहने, बंदे ने केबल मैनेजमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया है, हालांकि क्लीननेस पर थोड़ी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नो बात कर लेते हैं इनके पेरिफेरल्स के बारे में, यहाँ पर यूज कर रहे हैं डुअल मॉनिटर, पहला मॉनिटर एसर की तरफ से है, दूसरा मॉनिटर एसुस का, जो कि दोनों ही 27 इंच के मॉनिटर है। माउस यहाँ पर लॉजिटेक G502 हीरो है, कीबोर्ड यहाँ पर G213 है, हेडसेट भी यहाँ पर लॉजिटेक का G733 है यूज कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं इनके पीसी स्पेक्स के बारे में, तो यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 5 5600X, 16GB की रैम और ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे RTX 2080 है यूज कर रहे हैं। तो एट दिन अगर बात करें सीपीयू परफॉर्मेंस की, यहाँ पर इनको सीपीयू परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाता है, और वही बात करें अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यार RTX 2080 ने इनको काफी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर देता है। एट दिन अगर बात करें मेरे सजेशन की, तो यहाँ पर मैं इनको कोई भी सजेशन देना नहीं चाहता, लुक वाइज रिस्पेक्ट वाइज इन्होंने काफी अच्छा पीसी बिल्ड कर रखा है, यहाँ पर इनको कोई खास इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। थैंक यू सामर्थ पार्टिसिपेट करने के लिए। वेल तो दोस्तों ये थे हमारे कंटेस्टेंट, आपका जो भी फेवरेट कंटेस्टेंट था आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और जिस भी बंदे को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बंदा विनर होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।